तो कैसे हो सब? आप सभी के लिए एक नया गेम प्ले वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन उतर गए थे ओल्ड बेसिन में। एंड गाइज, इस वीडियो का खास बात यह है कि यार बहुत अच्छा अच्छा क्लचेस मिला था। एंड वही जोन के बाहर जाके फाइट ले रहा था। तो यार देखो पूरा का पूरा वीडियो। फिलहाल अपन उतर गए थे ओल्ड बेसिन में। एंड ओल्ड बेसिन में उतरते ही मेरे को दिखा था स्क्वाड और एक बॉट। तो भाई मैंने आ गया था स्क्वाड हाउस के अंदर। एंड स्क्वाड हाउस के अंदर आकर मेरे को मिला था M416। और भाई क्या बोलूँ, जैसे मेरे को अकेला देखा तो यार सामने वाला स्क्वाड मेरे ऊपर अंधारश मार देते। तो फिलहाल मेरे को मिल गया था तो M416। तो यार भसड़ तो मचने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो कि यार पहला बंदा आ चुका है मेरे पास। पे कर दिया पहला बंदा को हमने नॉक एंड फिनिश भी करे, ताकि यार एक से एक बंदा कम हो जाए एंड इजीली स्क्वाड हो जाए। तो यहाँ पे दूसरा बंदा भी रश कर रहा था और दूसरा बंदा को भी नॉक कर दिया। फिर मैं छत से कूदा नीचे था और मेरे को तीसरा बंदा देखा, तीसरा बंदा को भी फिनिश कर दिया। मतलब तीन बंदा अभी नॉक हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी देखना बाकी है कि यार लास्ट जो बंदा था वो किधर है। एंड भाई जिसको अभी नॉक किया था उसको भी मैंने फिनिश नहीं किया था। तो यहाँ पे था लास्ट बंदा एंड उसको भी हमने फिनिश कर दिया। इसी के साथ हो चुका था स्क्वाड वाइप। तो अभी यहाँ पर गाड़ी वाड़ी लेके चला गया था प्रोमोटर की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी थोड़ा छोटा मोटा फायरिंग आ रहा था। तो आप लोग अगर मिनी मैप प्रोड्यूस करोगे तो जैसे मैं गाड़ी घुमा रहा था ट्रिपल स्टोरी के सामने से, तो यार मेरे को एक फुटस्टेप आया था। तो मैंने सोच लिया कि यार यहाँ पे एक स्क्वाड है, क्योंकि यहाँ से भी फायरिंग चल रहा था। और भाई जैसे मैं थोड़ा आगे गया तो यार मेरे ऊपर गंदा वाला स्प्रे मिलता है। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रिपल स्टोरी का जो बंदा था उसको भी मैंने नॉक एंड फिनिश कर दिया, ताकि यार ये बंदा मेरा पोजीशन उनको टीममेट को ना बता पाए। तो यहाँ पे सीन क्या होता है, यहाँ पे मेरे को फाइट तो भाई बहुत ही सही लगा था, पर यार लास्ट बंदा के पास था स्टेल्थ के। और फिलहाल 0.19.0 में अभी तक स्टेल्थ का डैमेज गिराया नहीं है, जो जो ऐसा था वैसा ही अभी भी। तो पता नहीं यार, सब लोग बोला था कि यार स्टेल्थ के RPG चला जाएगा, पर वो तो भाई अपने अपने जगह पे है। तो यहाँ का फाइट देखो फिर आता हूँ। तो अभी जो पेड़ वाला बंदा था, वो पेड़ वाला बंदा स्मोक वॉक किया था एंड आ चुका था ट्रक के पीछे, क्योंकि स्मोक के अंदर एक बंदा है जिसको मैंने अभी नॉक किया था। तो अभी मैंने एक नेड वेट कुक करके फेंका था, तो देखो भाई क्या होता है। क्या हुआ, जैसे मैं इतना फायरिंग दिया वो बंदा चला गया था पेड़ के पीछे। तो मैं सोचा कि चलो भाई मेरा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। और इतने में मेरे को फायरिंग आया ट्रिपल स्टोरी से, जो उनका लास्ट बंदा था ट्रिपल स्टोरी पे। तो यहाँ पे हो चुका था तीसरा बंदा नॉक एंड बाकी था ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा। तो मैंने भी बहुत सारा कवर, मतलब फ्री फायर वगैरह सब कुछ किया, ताकि अगर थोड़ा छोटा मोटा हेड दिख जाए तो यार बंदा नॉक हो सकता है। और भाई जो मतलब बुद्धिमान है ना बंदा, समझ रहे ना, इंटेलिजेंट भाई ने क्या किया यार, गाड़ी लेके सीधा कसते ट्रक पे के ठोका। एंड भाई उसके पास थे S12 के और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही हाई था। तो यार देखो लास्ट में क्या हो गया। तो भाई वो इजी स्क्वाड है। तो अपन गाड़ी लेकर सीधा सीधा आ चुका था सेंट्रल रोड के वेयरहाउस वाला पोर्शन में। एंड यहाँ पे आके भाई मेरे को दिखा था दो दो गाड़ी,
इनमें से एक है जला हुआ, एक है सही सलामत। तो भाई फाइट तो तगड़ा वाला हुआ, नहीं तो यार जला हुआ गाड़ी नहीं मिलता है। तो अभी अपन को बंदा ढूंढना है, मतलब बंदा किधर है वो देखना है। तो भाई साहब अपन के पास जितना ज़्यादा जितना सारा थ्रोएबल्स था, जितना नेट मॉली जो भी था, अपन सब फेंक दिया। और क्या बोलो ना, इन बंदा मतलब घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था यार, इतना सारा स्मोक नेट वगैरह फेंक रहा था यार बंदा। तो मतलब थोड़ा तो इधर उधर हिलता, भाई निकलने का मन ही नहीं करता। और बाद में भाई जब निकलते हैं ना भाई साहब, भाई एक एक को पकड़ पकड़ के मरता हूँ। अब आया टाइम भाई इनका, थोड़ा इधर उधर दिमाग का कुछ दिख रहा है कि यार सामने वाला वेयर हाउस पे भी बंदा है। तो वो लोग मेरे पास स्मोक किया, फिर नेट वगैरह का साउंड आ रहा था। तो मैं सोच गया चलो अभी बंदा नीचे उतरेगा और ऊपर से उनको जोन भी कटेगा, तो भाई गाड़ी लेने के लिए आना चाहिए। तो यार क्या होता है देखो, तो भाई इतना वेट करने के बाद उनका एक बंदा घर से निकला और भाई घुस गया शैक के अंदर। तो यार मैं किया क्या, शैक के अंदर स्मोक करके स्कोपिंग करके बैठा ताकि यार बंदा निकल जाए एंड भाई एक दो हिट मार के उसको नॉक कर दूं। और इतने में क्या होता है, इनका दूसरा बंदा छत से कूदता है भाई साहब, कूदते ही अब तो निकलना पड़ेगा क्योंकि टीममेट हो चुका है नॉक। तो भाई निकलते ही हो चुका है मामला खत्म। और जैसे मेरे को हिट पड़ा, मैं सोच के मेरे ऊपर रश हो चुका है, तो भाई मैं आ गई इधर ड्यूटी ले रहा था भाई, उतने में मेरे को समझ में आ गया था ये तो बॉट है। सुनी पा रहे बाकी के बाकी सब बंदे सेंट्रल रोड पे आते। भाई सेंट्रल रोड पे आके जैसे मैं गाड़ी ठोकता हूँ और भाई सामने दो बंदे, तो भाई जैसे मैंने दो दो बंदे देखा था और मैं आ गया घर के अंदर कवर लेने के लिए। और भाई जैसे मैं दरवाजे से बाहर देखता था और मेरे को दिखता एक बंदा। इनिंग स्क्वाड का पहला बंदा हो चुका है नॉक। तो अभी मैं सोच रहा चलो घर के ऊपर रश मारते हैं, कितना बंदा रहेगा, लगभग लगभग दो रहेगा, तीन रहेगा, चारों के चारों नहीं रहेगा। तो मैं आ गया था घर के अंदर रश मारते, ओ भाई साहब ये बंदा ले रहा था टीपीपी फुल ऑन, मतलब पूरा वेट कर रहा था मेरे लिए। तो मैं क्या किया यार, उसको नॉक किया, उनको फिनिश कर दिया। तो इतने में इनका लास्ट बंदा मेरे ऊपर रश मारता है। ठीक है साथ होता है कोडाइप। तो भाई बाकी दो बंदे एंड दो के दो बंदे था सामने। तो भाई देखो यार कैसे मारता हूँ। और भाई लोग वीडियो अच्छा लगा था प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक मार दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna